नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य पर्वत पर बनने वाले एक और अशुभ चिन्ह के बारे में। एक्चुअली बहुत लोग अशुभ चिन्हों को ज़्यादा जानना और समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि शुभ चिन्ह तो अपनी ज़िंदगी में प्रभाव शुभ ही देने वाले हैं, तो हमको उससे खुशियाँ ही मिलने वाली हैं। जो हमको ज़िंदगी में परेशानी देने वाली है उसको हमको जानना चाहिए, और उसको जानकर उसके बचाव में हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए, उसमें अटेंशन लेना चाहिए। तो देखिए, जब इस अशुभ चिन्ह के बारे में मैं आपको बताता हूँ ना, तो इसको ज़्यादा आप फोकस किया कीजिए, दूसरे के लिए चाहे देखते हो चाहे अपने हाथ पे देखते हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो आज हम बात करेंगे सूर्य पर्वत पर बनने वाले जाल के बारे में। जाल क्या है? जैसे मैं 3x3 का जाल बनाया अभी, है ना, तीन खड़ी लेकर लकीरें हैं और तीन पड़ी लकीरें हैं। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3x3 ही आपको मिले, कभी ऐसा भी बना 2x2 भी बना तो भी ये जाल है, ठीक है ना। तो ये भी जाल है और ये भी जाल है। फ़र्क क्या है? ये ज़्यादा घना है, ये कम घना है। तो जितना ज़्यादा घना होगा प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा आपको आएगी, उतनी ज़्यादा जीवन में आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। ये बहुत बुरा चिन्ह है, ठीक है, बहुत बुरा चिन्ह है, बहुत जीवन में संघर्ष कराता है। लेकिन अब डरना नहीं है, अब इतना बोल दिया ना तो डरना नहीं है। ये बड़े बड़े लोगों के हाथ में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको बड़ी गंभीरता से हमको समझना है। यूट्यूब में आप देखते हैं ना, इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बता के आपको डरा दिया जाता है, इतना भी नेगेटिव नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद आपको एक्शन लेना है। तो देखिए, पहले बात तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये जैसे आप जाल का चिन्ह देख पा रहे हैं ना, अब इस जाल में हमको दो चीज़ें दिख रही है, एक खड़ी लकीर है एक पड़ी लकीर है। जब हस्तरेखा में क्या कहा जाता है, खड़ी लकीरें जो है बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, हमको उन्नति देती हैं, है ना, जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए। एक सूर्य भी है तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस देगा, सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है। तो ऐसे लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, बड़े आपको कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई रहता है, किसी भी काम को करने के लिए हमेशा महत्वाकांक्षा अच्छी रहती है। लेकिन अगर पड़ी लकीरें हो ना तो जस्ट अपोजिट उसको और वर्क करने लगती है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही है, एक ऊपर वाली लकीर है वो हाँ बोल रही है, नीचे वाली लकीर जो आड़ी काट रही है वो हाँ ना, तो हाँ ना वाली स्थिति बनती है। तो ऐसे लोगों को डिसीजन लेने में बहुत भारी दिक्कत होता है, और जब भी डिसीजन लेते हैं रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, और यहीं से इनका गाड़ी जाके गड्ढे पे फंस जाता है, ठीक है। तो अब हमको क्या लेना है, अभी जान गए कि डिसीजन लेने में हमको परेशानी है, आप अपने जीवन का डिसीजन खुद मत लीजिए। आपको चुनाव करना चाहिए, कोई अच्छा व्यक्ति दोस्त यार हो, या आपकी पत्नी हो, या फिर कोई भी हो, संलग्न पर्सन कोई भी हो, उनका डिसीजन जो आपको, ऐसा नहीं कि किसी से भी ले लेना, जो आपको लगे कि हाँ ये बंदा ठीक लगता है, समझदार है, उससे आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा जीवन में। अगर आप गुरु बना के चलते हैं ना, ये चिन्ह आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बस अपने से डिसीजन मत लेना कभी भी, कोई आपका जो भी क्रूशियल मैटर है आपके लाइफ का उस पर मत लेना, ठीक है। ऐसे लोग हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं और बुरा फंसते हैं, पहला चीज़। अब इसको और भी ज़्यादा डीप पे अपन जाके समझते हैं कि एक्चुअल में आप बड़े लोगों के हाथ में ऐसा जाल भी दिख जाता है कभी कभी, कभी कभी, ऐसा भी नहीं कि हर कोई बड़ा आदमी का जाल, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, किसी किसी अच्छे को कमाने धमाने वाले सेटल पर्सन के हाथ में भी आपको ही मिलेगा। क्यों मिल गया उसका, वो तो असफल होना चाहिए लाइफ में। वो इसलिए है, पहले इसको फंडा क्या है, मैंने कहा दो लकीरें होती है, खड़ी और एक आड़ी। तो हमको देखना क्या है कि खड़ी लकीरें अगर हमारी गाढ़ी हैं और पड़ी लकीरें बारीक लकीर, बहुत बारीक लकीर है, बहुत महीन सी लकीर पतली वाली है, आ रही है खड़ी लकीर, और जो खड़ी लकीर आपकी गाढ़ी है और पतली लकीर आपकी बहुत बारीक हो गई पड़ी वाली, तो इसमें प्रभाव किसका बढ़ गया, खड़ी लकीर का। तो खड़ी लकीर, ये ऊर्जा रेखा क्या होती है, रेखा हमेशा ऊर्जा को लेके संचरण करती है, एक धारा है, ठीक है ना। अब उस धारा में आपने यहाँ कट लगा दिया तो जाहिर सी बात है उसका बिखराव होगा, उसमें अवरोध आएगा। तो बस यही समझिए, अगर ये कट बहुत बारीक रहेगी तो धारा मजबूत है तो निकल जाएगी, है ना, बस यही इसी कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। अगर मान लो अब यही मजबूती से आ गई आड़ी वाली, तो फिर तो ब्लॉक कर देगी ना पूरा, फिर आदमी फिर इसकी ऊर्जा एकदम ब्लॉक हो जाएगी, वो कुछ कॉन्फिडेंस लेवल उसका बूस्ट नहीं हो पाएगा, वो बहुत नकारात्मक सोचने लगेगा, नेगेटिव चला जाएगा, है ना। तो ये जीवन में इसको सफलता नहीं मिल पाएगी, या पूर्ण मिलेगी, या फिर बहुत परेशान हो जाएगा वो जीवन में। तो हमको क्या इसमें फंडा क्या निकालना है, अगर आपकी खड़ी लकीरें अच्छी मजबूती से हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, देर सबेर लेकिन सफलता आपको मिलेगी, ये जाल से के जंजाल से आप बच जाओगे, ठीक है। परेशानी तो आएगी, जो सब लोगों को एक बार में हो जाता है, आपका दो बार तीन बार में होगा, लेकिन
हो तो जाएगा, लेकिन अगर बड़ी वाली गाड़ी हो गई तब फिर ये परेशानी का मैटर है, बहुत ज़्यादा परेशानी का मैटर है, ठीक है। तब ऐसे लोगों को विशेष रूप से एक गुरु बना के चलना चाहिए लाइफ में, जो कभी भी डिसीजन लेने की बात है ऐसे लोगों को रहना चाहिए, ताकि हमेशा पॉजिटिव बने रहें वो। अब देखिए इसका प्रभाव क्या होता है, उस पर आते हैं ना। अब प्रभाव को बताने से पहले आपको बता दूँ, या तो पर्वत उन्नत हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर छूने से बिल्कुल उंगली और पर्वत फ्लैट लगे, समतल हो, तो इस चिन्ह के जो प्रभाव हैं वो फिर भी थोड़े कम आपको मारक बनेंगे। और अगर ये पर्वत दबा हुआ है, ये गड्ढा है बन रहा है यहाँ पे पर्वत पे, और ये चिन्ह है, तो अब ये फिर आपको बहुत ज़्यादा मारक बनेगा आपके लिए, ठीक है ना। आप देखिए इसके क्या क्या फल होते हैं, मैं वन बाय वन बोलते जाता हूँ, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जैसे मैंने कहा ना, ये हाँ और ना की स्थिति को जनरेट करती है ना, हाँ ना वाली स्थिति। तो ऐसा आदमी के अंदर में पहला चीज़ तो कॉन्फिडेंस को लेके, कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सी आपकी खड़ी या फिर पड़ी, कौन सा का प्रभाव कैसा है, उसके हिसाब से आप बिंदुओं को समझते जाइएगा, ठीक है। मैं सारे बिंदुओं को गिनते जाता हूँ, अब एक एक बिंदुओं को फिर से खड़ी पड़ी करूँगा तो वीडियो वैसे ही लंबा हो जाएगा। तो आपको समझना है, मैं जस्ट से पहले ही आपको समझा दिया, खड़ी लकीर है, अगर एक बार दोबारा बोलता हूँ, खड़ी लकीर है, मजबूती से खड़ी है, और वो लकीर मोटी है आपकी पड़ी लकीर के कंपैरिजन में, तो आपको प्रभाव उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उल्टा हो गया, अगर पड़ी लकीरें बहुत गाढ़ी हैं और खड़ी लकीरें बहुत महीन हैं, तो ये आपको परेशानी का मैटर है फिर, है ना। अब आगे मैं जो फल बताता हूँ उसको आप सुनते जाइएगा, उसी हिसाब से आप उसको मैच कर लीजिएगा। जिसका भी हाथ में जाल चिन्ह होता है, ठीक है, ऐसे लोग जीवन में असफल होते हैं, ऐसे लोग जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, चीज़ें इनको आसानी से नहीं मिलती है, इनको कोई भी चीज़ क्या, अगर ये 100% अपना एफर्ट देते हैं तो भी जाके 50% मिल गया तो भी बहुत इनकी उपलब्धि की बात है। ऐसे लोगों को ये बहुत बड़ा एक टेंशन का बात होता है यहाँ पे, कि ऐसे लोगों को अपने परिश्रम का लाभ नहीं मिल पाता, ठीक है। तो मैंने कहा उस हिसाब से पर्वत अगर दबा है तब तो फिर नहीं मिलेगा, और पर्वत अगर अच्छा है, समतल है, तो फिर लाभ तो मिलेगा लेकिन क्या होगा, संघर्ष बढ़ जाएगा, ठीक है। तो असफल भी बोला हूँ मैं और संघर्ष भी बोला हूँ मैं, तो संघर्ष करेगा आदमी तो ज़रूर से आगे बढ़ जाएगा, जीतेगा एक ना एक दिन, भले देर सवेर जीतेगा लेकिन जीतेगा, लेकिन असफल बोल दिया तो फिर सफल नहीं होगा, है ना। तो असफलता को बताता है, आपके जीवन में अपार संघर्ष को भी भर देता है, और ऐसे लोगों के कार्य अधूरे भी पड़ जाते हैं, कुछ स्टार्ट किए, कुछ बिजनेस चालू किए, बिजनेस भी जाके थोड़े दिन बाद बंद हो गया, या बिजनेस में ऐसा चला कि वो घाटा ही घाटा हो रहा है, उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, 10 रुपये का भी आपको इनकम नहीं आ रहा है, या उल्टा घर से लगाना पड़ रहा है पैसा, ऐसी स्थिति को भी बता देता है, ठीक है। अगर पर्वत भी अच्छा है, ख़राब है और उस पर ऐसी स्थिति है, तब तो ऐसे लोगों के कार्य बहुत रुकते हैं, बहुत बार कार्य बदलते हैं, हाँ ना वाली स्थिति जो बताए ना मैं, कन्फ्यूजन, उसके कारण से बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ का बिजनेस चालू कर लिए और उसके बाद फंस जाते हैं उसमें, ये जो स्थिति है ये जाल के कारण से होती है, ठीक है। ऐसे लोग वहमी भी मिलेंगे आपको, इनको कोई भी चीज़ का वहम हो जाता है, अब ये वहम किसी भी चीज़ का हो सकता है, इस पर मैं चर्चा करना ठीक नहीं समझता, किसी भी चीज़ का वहम हो सकता है ऐसे लोगों को। और सबसे बड़ा चीज़ नेगेटिव पॉइंट क्या आता है, ये जैसे इनके ऊपर किसी ने मदद किया, इनके बुरे समय में इनको मदद किया, तो ऐसे लोग जो है ना अपने जिसने मदद किया है उसके उपकार को भुला देते हैं एक समय के बाद में, इनको अपना प्रॉफिट लॉस जब ऐसा आएगा समय ना, तो उसको फिर अपने उपकार को भुला देते हैं, ये अच्छा बात नहीं है, ये कभी भी अच्छा नहीं है, किसी के किए गए उपकार को भुलाना नहीं चाहिए। और ये प्रभाव उसके में ज़्यादा आता है जिसके में पड़ी लकीर ज़्यादा गाढ़ी होती है, ये बहुत फिर निंदनीय हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। और अगर पर्वत भी दबा है और ये दूसरी चिन्ह बना हुआ है, तो ऐसे लोग दिमाग के तेज नहीं होते। अब ये जो शब्द है, अगर पड़ी लकीर आपकी गाढ़ी है, ये वाली गाढ़ी है और ये वाली फीकी है, तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, ठीक है। अगर ये वाली आपकी ज़्यादा बढ़िया से है, ये वाली बहुत बारीक है, तो टैलेंटेड बहुत होते हैं, लेकिन इनके पैर पे भगवान ने जंजीर बांध के रखा रहता है, इनका टैलेंट इनको खुद के काम नहीं आता, बड़े परिश्रम करने के बाद में भी, मैंने कहा ना 100% करने के बाद में 20-30% 40% मिलता है ऐसे लोगों को। टैलेंटेड तो होते हैं, नो डाउट, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी भी होते हैं ऐसे लोग, बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। अगर ऊपर खड़ी लकीरें गाढ़ी हैं और बारीक लकीरों ने काटा है, तो ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं,
अपने बहुत टैलेंटेड भी होते हैं, नो डाउट, लेकिन वही इनका भगवान बांध के भेजा होता है पैर पे जंजीर, तो बेचारे कितना दौड़ें, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। इसीलिए जीवन संघर्ष में बीतता है ऐसे लोगों का, ठीक है। लेकिन आप इनको मूर्ख नहीं कह सकते हैं। हाँ, मूर्ख तब कह सकते हैं जब आपकी पड़ी लकीरें गाड़ी होंगी, ठीक है ना। चरित्र के मामले में तो दोनों के लिए मैं बात करूँगा। ऐसे लोगों को चरित्र संभाल कर रखना चाहिए, ये पर स्त्री या विवाहोत्तर संबंध को भी बताता है। ऐसे लोगों के बहुत सारे अफेयर्स के आपको किस्से सुनने को मिलेंगे जिसके हाथ में ऐसा होगा। ये दोनों की स्थिति, चाहे पर्वत अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा हो तो फिर भी अपने एक प्रकार से बचा लेगा या बच सकता है, लेकिन बुरा हो तो फिर ये निम्न कोटि का हरकत करने से भी पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। और भी ज़्यादा फिर गंदी स्थिति हो गई, जैसे कि कोई पर्वत बहुत दबा है, पर्वत ख़राब स्थिति में है और ये जाल बनी है और पड़ी लकीरें बहुत गाढ़ी हैं, तो ऐसे लोग जो है ना, आपको लड़कियों के दलाली करने वाले लोग के हाथ में भी ऐसा मिलता है। ये बहुत बुरी स्थिति है, ठीक है। तो अच्छी स्थिति तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर पर्वत अच्छा है और खड़ी लकीरें अच्छी है, उस पर जाल है, तो हो सकता है इनका अफेयर हो, विवाहोत्तर संबंध हो। लेकिन ऐसा चरित्र के दृष्टिकोण से बहुत बुरे नहीं बोल सकते हो, मतलब जो अभी मैंने पिछले वाले में बताया उस कैटेगरी का नहीं, लेकिन फिर भी इनका अफेयर तो होता है। चरित्र में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, इनको विपरीत लिंग की तरफ में आकर्षण होता है और उसमें फंसते हैं, और उसके कारण से बदनाम 100% हो जाते हैं, ठीक है। फंस के बदनाम भी होते हैं, तो एक बार जीवन में इनका मानहानि होना तय होता है ऐसे लोगों का, ठीक है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। अब देखिए, कुछ चीज़ें और भी है इसमें जो हमको जानना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर में आप जो है ना विश्वास नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, हाँ ना की स्थिति हमेशा रहती है। ये जैसे आप किए गए उपकार को भुला देते ना, बस वैसे ही है। ये कब क्या कर जाएंगे, इनके दिमाग में कौन सा आइडिया क्लिक हो जाएगा, और ये इनका मूड स्विंग कहने का मतलब ऐसा होगा कि ये आप विश्वास नहीं कर सकते इन पे, ये क्या करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे एक ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ जो दोनों कंडीशन में मिलेगा, दबा हुआ पर्वत पे, उठा हुआ पर्वत पे, आड़ी लकीर गाढ़ी या फीकी लकीर गाढ़ी, तो ये सबके कंडीशन में आपको एक चीज़ तो कॉमन मिलेगा। ऐसे लोग बड़े गप्पी होते हैं, गप मारने का खूब शौक होता है इनको, ठीक है। और जितनी की योग्यता इनकी होती है उससे कहीं ज़्यादा का अहंकार इनके मन में ज़रूर होता है, यानी कि बोलो थोथा चना बाजे घना वाली जो स्थिति है ना, ऐसे लोगों के में होती है, ठीक है। ऐसे लोग होते ही हैं। अब ये अगर पर्वत अच्छे कंडीशन में है तो फिर भी तो टैलेंट तो है, तो टैलेंट जितना है लेकिन उससे ज़्यादा का बखान करेगा, और अगर नहीं है, पर्वत दबा हुआ है, तब तो फिर कुछ है ही नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती का वो वहाँ पर वो आइंस्टीन बन के घूमेगा, ऐसी स्थिति को बना देता है। कपट भी देता है ये, ठीक है। ऐसे लोग के अंदर में थोड़ा जलन की भावना भी होती है, अपने परिवार के लोगों के प्रति, अपने भाई बहन का अगर कोई आगे निकल गया, दोस्त यार आगे निकल गया, तो भी ऐसे लोगों को बड़ा जलन होता है, जलन की भावना कूट कूट के भरी होती है ऐसे लोगों के अंदर में। तो देखिए, बहुत सारा पॉइंट है, एक ही चीज़ को देख के हमको नहीं कहना है। एक और ख़ास बात मैं बता दूँ, जिसका भी सूर्य पे जाल बना हुआ है, ठीक है, ऐसे लोगों का कभी भी दाम्पत्य अच्छा नहीं गुजरता है, कभी भी अच्छा नहीं गुजरता है। ये वहमी होते हैं ना, तो ये वहम अपनी पत्नी पर भी वहम करते हैं, पत्नी के चरित्र पर भी संदेह करते हैं, ठीक है। और कभी कभी इनका संदेह गलत भी नहीं होता है, मैं इस पर भी एकदम श्योरिटी से नहीं बोलता, लेकिन अधिकतर केस में ऐसा भी देखा जाता है, ठीक है। अब ये इसको मैं श्योर कब होगा, अगर आपका जाल बना हुआ है, ये श्योर का कंडीशन यहाँ पर आता है। अगर भाग्य रेखा आपकी ऐसी है और भाग्य रेखा में आपकी द्वीप बनी है और ऐसा जाल बना हुआ है, तब फिर आप बोल सकते हो कि ऐसे लोग वहम करते हैं, वो वहम सही होता है, ठीक है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो देखिए, जाल से रिलेटेड काफ़ी बिंदु इसमें है, मैंने समाहित किया है। और आपको जो कन्फ्यूजन की स्थिति कहाँ पे आएगी, पर्वत को समझने से पहले पर्वत को समझना है, उठा है कि दबा है, उसके बाद में खड़ी लकीर गाढ़ी है कि फीकी लकीर गाढ़ी है। इतना अगर आप दोनों चीज़ खाली देख लिए, तो बाकी फिर मैंने जो फल कथन कहा है, जो मैंने इसके बारे में बताया है, उससे रिलेट करके आप किसी को समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। अब अभी क्या करना चाहिए, जिसका जाल का चिन्ह बना है या जाल का निशान बना है, उसको करना क्या चाहिए, है ना। तो एक तो सबसे पहले जो पूजा पाठ ये वो की बात छोड़िए, आप प्रैक्टिकल बात समझिए, ठीक है। प्रैक्टिकल बात ये हुई कि आपको भाई एक गुरु बनाना है पहले तो, ठीक है। और आपकी महत्वाकांक्षा है, अच्छी बात है, पाने की ललक है, किसी चीज़ को आपने एम किया है, उस एम को पाने के लिए आप मेहनत भी करें,
मेहनत करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भाग्य के भरोसे कुछ नहीं मिलने वाला है। और इसका भाग्य के भरोसे ये जो शब्द यूज किया है ना, मैं आपको बता दूँ, ये अब इस वीडियो में चर्चा निकल गई है तो मैं बोलते चलता हूँ। ये जो क्षेत्र है, सूर्य और शनि का जो पर्वत होता है ना, ये हस्तरेखा में, जैसे कुंडली में भाग्य स्थान बोलते हैं ना नौवां घर, वैसी हस्तरेखा में जो आपका कुंडली में जो नौवां घर है, वो हस्तरेखा में सूर्य और शनि का दोनों का पर्वत आपका नौवां घर होता है, यानी भाग्य स्थान होता है आपका। ठीक है, ये आपका भाग्य स्थान है सूर्य और शनि का पर्वत, जिसका ये दोनों पर्वत अच्छा है इससे लोग भाग्यशाली होते हैं। और यहीं पर आपका जाल लग गया तो ये तो आपको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, इसीलिए आपको भाग्य के साथ कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको आपके प्रयत्नों को बढ़ाना पड़ेगा, जितने की योग्यता है उस पर घमंड नहीं करनी होगी। आप अपने अहंकार बिल्कुल त्याग दीजिए, आप ये मान के चल लीजिए कि आप बिल्कुल अभी आपको कुछ नहीं आता है, आप अभी सीख रहे हैं और सीखते जाइए। आप चाहे कितना ज्ञान हो या ना हो, उसको प्रदर्शन मत कीजिए अपने ज्ञान का, आपके लिए ज्ञान प्रदर्शन है ही नहीं। ठीक है, ऐसे लोगों का अगर ये दो तीन चीज़ें प्रैक्टिकल बातें मैंने बताई हैं वो कर लेंगे आप, तो आपको किसी देव की पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप में स्वयं उसका उपाय कर सकते हैं। और अगर आप करना ही चाहते हैं तो आपके लिए सूर्य को डेली जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है, ऐसे लोग को ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चिन्ह नहीं है ये, बहुत बुरी चिन्ह है। मैं बहुत लोगों के हाथ में देखा हूँ और उनकी लाइफ में भी मैं झांक के देखा हूँ, बेचारे बड़े भावुक होके अपना प्रश्न देते हैं। तो इसे आप कर सकते हैं, इसका कोई बहुत बड़ा टेंशन का बात नहीं, अगर जो दो तीन चीज़ें अपने स्वभाव में आपको लाना चाहिए आप उभर सकते हैं इससे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको कंटेंट्स अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी अच्छे वीडियो को आप देख सकें। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।